नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएसटीवी न्यूज, मोनिका के साथ प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग ने मेडिकल अफसरों के चयन में गड़बड़ी कर दी है। विभाग ने इन अफसरों के चयन की जिम्मेदारी एमपीपीएससी को दे दी थी, लेकिन इनका चयन लोक सेवा आयोग द्वारा तैयार मेरिट सूची के आधार पर नहीं हुआ। इस कारण कई योग उम्मीदवार बाहर हो गए। उनका आरोप है कि चयन में भारी भ्रष्टाचार हुआ है। जिस जिस क्षेत्र में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी को निकलना है, वहां कल सफाई के विशेष इंतजाम देखने को मिले। यही नहीं, अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। साथ ही चेतावनी भी दी, ध्यान रखना, गडकरी जी आ रहे हैं, सीएम भी साथ रहेंगे। गडकरी मुख्य रूप से प्रदेश के महापौर, निगम मंडलों के अध्यक्ष व प्राधिकरण अध्यक्षों की बैठक में हिस्सा लेने आ रहे हैं। वे आज शाम 6:50 नागपुर से विशेष विमान से इंदौर आएंगे और अगले दिन रात 10 मुंबई रवाना होंगे। स्थानीय बाजार में सोना सोमवार को 29,600 रूपए प्रति 10 ग्राम के रिकॉर्ड स्तर को छू गया। इससे पहले सोना 8 दिसंबर को इस स्तर पर था। हालांकि इस तेजी के चलते स्थानीय सराफा बाजारों से ग्राहक खरीदी से बचते दिखे। विशेषज्ञों के अनुसार अगले कुछ दिनों में सोना 30,000 रूपए के स्तर को पार कर लेगा। राज्य मानव अधिकार आयोग में की गई शिकायत में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक की पत्नी ने अपने पति पर घरेलू हिंसा का आरोप लगाया है। आयोग ने मामले में महिला एवं बाल विकास विभाग को घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत मामला दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। एडीजी डॉक्टर रंजीव कुमार गर्ग की पत्नी वंदना गर्ग ने आयोग में उनके खिलाफ शिकायत की है कि वे उन्हें पिछले 5 से प्रताड़ित कर रहे हैं, उन्हें पति की प्रताड़ना से मुक्ति दिलाई जाए। उन्होंने आयोग को बताया कि रंजीव और उनके बीच पुनर्विवाह हुआ है। रंजीव ने अपनी पहली पत्नी को तलाक दे दिया था। देश में आईपीएस अधिकारियों की स्पेशल भर्ती परीक्षा का मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी विरोध कर सकते हैं। इस संबंध में आईपीएस एसोसिएशन के सदस्यों ने रविवार को मुख्यमंत्री से मुलाकात कर अपना विरोध दर्ज कराया। एसोसिएशन के अध्यक्ष वीके सिंह के मुताबिक मुख्यमंत्री इस संबंध में केंद्र सरकार को पत्र लिखेंगे। गौरतलब है कि यह परीक्षा 20 मई को चुनिंदा केंद्रों पर होनी है। केंद्र सरकार की इस भर्ती का मध्य प्रदेश सहित 13 राज्य विरोध कर रहे हैं। प्रदेश में आज से ई-वेस्ट नियम लागू हो जाएगा। इसके तहत अब आप अपने बेकार हो गए कंप्यूटर, मोबाइल, टेलीविजन आदि को कहीं भी नहीं फेंक सकेंगे, बल्कि मध्य प्रदेश प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड द्वारा तय की गई एजेंसी वैज्ञानिक तरीके से इसे रिसाइकिल करेगी। इससे आपको अपने बेकार हो चुके इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट की कुछ कीमत भी मिल जाएगी। दूसरी ओर पीसीबी अभी तक ई-वेस्ट जमा करने के लिए शहर में कोई भी कलेक्शन सेंटर नहीं खोल सकी। हालांकि पीसीबी का दावा है कि जल्द ही सारी व्यवस्थाएं कर ली जाएंगी। योग गुरु बाबा रामदेव अंचल के 7 प्रवास पर कल आएंगे। वे ग्वालियर, भिंड व मुरैना में 2-2 लोगों को योग सिखाएंगे। योग शिविर निशुल्क रहेगा। इसके अलावा योग गुरु कालाधन, भ्रष्टाचार व अन्यायपूर्ण व्यवस्था के खिलाफ लोगों को जागरूक करने के लिए सम्मेलन व सभाओं को भी संबोधित करेंगे। मेला ग्राउंड में योग शिविर के लिए व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। योग शिविर में 50 वैद्य भी रहेंगे, जो लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण करने के साथ ही इलाज भी करेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।